राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भव कार्यक्रम का शुभारंभ करने के उपलक्ष्य में आज लखनऊ में अलीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी आयुष्मान भव जागरूकता अभियान का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर भाजपा के विधायक डॉ नीरज बोरा मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मनोज अग्रवाल, सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आर एन सिंह, सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ ए के सिंघल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ सोमनाथ सिंह और जिला स्वास्थ्य एवं सूचना अधिकारी डॉ योगेश रघुवंशी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य जागरूकता अभियान शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और लोगों में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन महत्वपूर्ण है। जिसके पास यह संकट रहता था कि वह कैसे इलाज कराए और यदि वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना चाहे तो क्या करे, यह चिंता जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने सत्ता संभाली तो उन्होंने चिंता की उन लोगों की जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े थे और आदरणीय मोदी जी ने यह प्रयास प्रारंभ किया और ऐसे वर्ग के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना का शुभारंभ किया।